नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड आई चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, दोस्तों 1982 में पहली बार दुनिया के सामने 3D पेंट इन्वेंट हुआ। ये आपको बुक्स, गूगल न्यूज़ पर देखने को सुनने को मिल सकता है या फिर और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वास्तव में ये असली सच नहीं है। दोस्तों ये कोई कॉमन पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु के मंदिर में बना एक 3D पेंटिंग है। और ये पेंटिंग कोई 200, 500 या 1000 साल भी पुराना नहीं है, बल्कि ये 1800 साल पहले बनी 3D पेंटिंग है। ये 3D पेंटिंग तमिलनाडु के त्रिचीपल्ली डिस्ट्रिक्ट के जम्बुकेश्वर मंदिर की है और इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं ये सारे के सारे नेचुरल कलर्स हैं। इसलिए वास्तव में 3D पेंटिंग की आविष्कार भारत में ही हुई थी। नंबर टू, आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी जेली फिश को तो देखा ही होगा मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वीडियो में या फिर और किसी मीडियम में। किसी ने तो उस मछली को छुआ भी होगा। हालांकि इस जेलीफिश को छूना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। जेलीफिश की बॉडी साइज तो अच्छी खासी होती है, बड़ी होती है। उस टाइप के बॉडी में तो जेलीफिश अपना दिल और दिमाग आराम से कैरी कर सकते हैं बाकी मछलियों की तरह, पर ऐसा नहीं है। जेलीफिश अपने दिल और दिमाग कैरी नहीं करते, क्योंकि चाह कर भी ये अपना दिल और दिमाग कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो इनके पास दिल होता है और ना ही दिमाग। और ख़ास बात तो यह है कि जेलीफिश को यह बात पता भी नहीं होती है कि इनके पास दिल मौजूद नहीं है और ना ही इनके पास दिमाग मौजूद है। नंबर थ्री, दोस्तों प्लूटो प्लैनेट को 1930 में डिस्कवर किया गया था और यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल का पहले 9वां ग्रह हुआ करता था, या फिर आप कह सकते ये हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह हुआ करता था। पर इसके बहुत छोटे साइज की वजह से इसको ग्रह के कैटेगरी से निकालकर एक क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया था। और प्लूटो प्लैनेट ने अभी तक अपना एक साल भी कंप्लीट नहीं किया है, अपना एक बर्थडे भी नहीं मनाया है। वो डिस्कवरी वाला बर्थडे नहीं कि 1930 में डिस्कवर हुआ और 1931 में उसका एक साल पूरा हुआ, बल्कि उसने अभी तक अपना हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं मनाया है, क्योंकि प्लूटो प्लैनेट ने अभी तक सूर्य का एक चक्कर पूरा नहीं किया है। पृथ्वी का 248 साल प्लूटो ग्रह पर एक साल के बराबर होता है और इसने सूर्य का अभी तक सिर्फ एक तिहाई ही चक्कर लगा पाया है। और एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार प्लूटो अपना पहला परिक्रमा साल 2178 में करेगा और हो सकता है उस समय मनुष्य प्लूटो ग्रह पर मौजूद हो, क्योंकि मानव सभ्यता उस समय तक इतने विकसित हो चुकी होगी कि नॉन हैबिटेबल प्लैनेट पर भी मानव सभ्यता अपना बसेरा बसा चुकी होगी अपने टेक्नोलॉजी की मदद से। और उस समय प्लूटो ग्रह पर मानव सभ्यता भी उसकी पहली बर्थडे पार्टी मनाएगी। नंबर फोर, दोस्तों कुछ माह पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, नाम था ब्रह्मास्त्र। उसमें एक शिवा नाम का कैरेक्टर होता है जो अपने इच्छा अनुसार आग को कंट्रोल कर सकता है। पर मैं आपको बोलूँ ये रियल लाइफ में पॉसिबल है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? जी दोस्तों, पायरोकिनेसिस एक साइंस मैजिक है जो किसी की क्षमता है आग को कंट्रोल करने की। मतलब कोई भी व्यक्ति आग को अपनी इच्छा के मुताबिक प्रभावित कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, और सुनिए, पायरोकिनेसिस नहीं बल्कि हाइड्रोकिनेसिस पानी को कंट्रोल करना, टेलीकिनेसिस तो आप जानते ही हैं, एरोकिनेसिस हवा को कंट्रोल करना, एटमोस्केनेसिस एटमोस्फेयर को कंट्रोल करना, और नेचरकिनेसिस वायुमंडल में नेचर को कंट्रोल करना। और भी ऐसे ही किनेसिस जो रियल लाइफ में आप कर सकते हैं। नंबर फाइव, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ज्वाम्बी स्टार खोजा है। ज्वाम्बी स्टार्स उन स्टार्स को कहते हैं जो एक स्टार अपनी ऊर्जा की आखिरी मात्रा भी इस्तेमाल कर चुका है और उसके बाद कुछ समय बीत जाता है, तो ऐसे स्टार्स को ज्वाम्बी स्टार कहते हैं। आसान भाषा में बोले तो अगर कोई स्टार सुपरनोवा होने के बाद भी अगर जीवित रहता है तो वे ज्वाम्बी स्टार बन जाता है, और इनका आकार इनकी ग्रेविटी के कारण नहीं बदलता। ये स्टार अक्सर बड़े ओवल शेप होते हैं और इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और फैक्ट
ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स को जो जोमी स्टार मिला है उस स्टार में 1954 को सुपरनोवा हुआ था, फिर 2014 में भी सुपरनोवा हुआ था। पहले एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि स्टार में सुपरनोवा तब होता है जब स्टार अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में होता है, पर जोम्बी स्टार के मिलते ही ये सारा रूल्स ही ब्रेक हो गया। नंबर 6, एंटी मैटर, ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ। 1 ग्राम एंटी मैटर की प्राइस 31,25,000 करोड़ रुपए यानी $5,000 बिलियन। पर क्यों, चलिए जानते हैं। असल में एंटी मैटर को बनाने वाली टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा खर्चीली है और स्पेस रॉकेट में फ्यूल के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। एंटी मैटर मैटर के जस्ट ऑपोजिट होता है, ये वो सारे काम करता है जो मैटर नहीं करता है। 1 ग्राम एंटी मैटर एक एटम बम के बराबर होता है जो एक पूरे शहर को खाक में मिला सकता है, क्योंकि एंटी मैटर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंप्रेस रहता है। प्रेजेंट में पृथ्वी पर कुछ नैनोग्राम एंटी मैटर ही मौजूद है, क्योंकि इनको लैब में बहुत मुश्किल से ही बनाया जाता है और स्पेस में कॉस्मिक रे के रूप में ही पाया जाता है, जिन्हें खोजना वैज्ञानिकों को बहुत परेशानी होती है। नंबर 7, दोस्तों दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जापान में मौजूद होते हैं। जापान के कॉमन ट्रेन भी 350 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ते हैं। वही प्रेजेंट की भारत में सबसे फास्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। जापान की मज़ेदार बात यह है कि जब आप इनके ट्रेन में सफ़र करते हैं, तब अगर आप उस स्पीड में इसके विंडो पर अगर एक कॉइन खड़ा करते हो ना, तो वो कॉइन गिरेगा नहीं। आप समझ सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी तेज है। पर जल्दी भारत में भी 300 किलोमीटर पर आवर वाली रफ्तार की ट्रेन भी भारत की पटरियों पर दौड़ेगी, जो कि बुलेट ट्रेन्स हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।